अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियर डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे पास कोई सॉफ्ट शेप के अंदर ऑटो कैड का हमारा प्लान, बिल्डिंग का प्लान, रोड का प्लान, किसी किस्म का प्लान वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, आउट ऑफ स्केल है और आउट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, तो उसको हमने कैसे सेट करना। अभी आप जैसे कि ये देख सकते हैं, इधर हमारे पास इसका डिस्टेंस इधर 60 मीटर आ रहा है। ये जैसे मैं इसका लेता हूँ तो ये हमारे पास डिस्टेंस इसका इधर 60 मीटर है, ये 60 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है। और इसकी मैं हार्ड शेप में देखता हूँ तो ये हमारे पास इधर डिस्टेंस का 30 मीटर या 29.99 मीटर है। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स वगैरह सारे कोऑर्डिनेट्स इसके आउट हुए हैं। इधर से इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं इधर से क्लिक करता हूँ, इधर लिप्स कमांड की मदद से, तो ये आप ये देख सकते हैं इधर ये सारे प्लान मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट्स भी आउट हैं और ये इधर से मेरे पास इसका डिस्टेंस भी आउट है और ये प्लान भी रोटेट हुआ हुआ है। तो इस प्लान को हमने कैसे सीधा करना है, बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीकाकार है। शॉर्ट सी वीडियो होगी, आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स इसके लगे हुए होंगे। इधर अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स इधर डिस्टर्ब होंगे तो आप अपनी सॉफ्ट हार्ड कॉपी जो आपके पास होगी, जिधर ये आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं, आप इधर से भी इसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह ले सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं और डिस्टेंस वगैरह भी आप इधर से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इसके वही लगे हुए हैं लेकिन प्लान हमारे पास डिस्टर्ब है तो कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले करना है कोई दो कॉर्नर, आप ये वाला कॉर्नर जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं और इधर से साथ ये वाला एंड वाला कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है अपने इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। कैसे? तो आपने इधर से पोली लाइन या लाइन की कमांड ले लेनी है, आपने पोली लाइन की कमांड लेनी है और सबसे पहले आपने इधर ये जो मैप है ईस्टिंग और नॉर्थिंग है इसको आपने नीचे कमांड बार के अंदर इधर लिखना है। तो इधर 3555 हमारे पास 4.625 और कॉमा आपने लगाना है 10555.625। तो आपने इधर इंटर कर देना तो आप ये देखेंगे आपकी लाइन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर इधर आ रही है। हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ये हमारे पास पॉइंट्स इधर आ रहा है, ये पहला पॉइंट आपने जो आपके पास ड्राइंग के अंदर दिया गया होगा आपने इस तरह लगा देना। इसके बाद आपने कोई भी पॉइंट आपने ले लेना है इधर से जो से आपके पास कोऑर्डिनेट्स है। तो हम इधर से ये कॉर्नर वाला जो पॉइंट है जो दिया गया है ये पॉइंट्स हम ले लेते हैं। इधर हमारे पास उसकी ईस्टिंग है 35, नीचे कमांड बार में आपको नज़र आ रहा है 700.119, कॉमा लगाना है 10525.376 करके आपने इंटर कर देना है। आप इंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारे पास इधर ये दोनों इसकी लाइन इधर हमारे पास ड्रा होगी, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। इसका कलर मैं इधर से चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये हमारे पास इसके दोनों कॉर्नर्स के पॉइंट्स हमारे पास इधर इसके ड्रा हो गए। तो इधर से भी आप प्लान के ऊपर आते हैं तो ये प्लान हमारे पास इधर डिस्टर्ब है, हमने इसको इधर उसके ऊपर लगाना है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बी की कमांड ले लेनी है ब्लॉक, आपने इसको ब्लॉक की शक्ल में बना देना है, आपने ब्लॉक की कमांड ले लेनी है और इधर से आप कोई भी आप एक्स वाई जेड इसका नाम दे के और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लें और पूरी ड्राइंग अपनी जो आपकी ड्राइंग है सबको आप अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर लें जिधर भी आपके पास है, इसको कंप्लीट आपने सिलेक्ट करके इसका ब्लॉक बना देना है, राइट क्लिक कर दें। और तो ये आपके पास थोड़ा सा अगर प्लान हैवी होता है ये इस किस्म का तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इधर आपके पास ये ब्लॉक की शक्ल में बन जाएगा, ओके कर देना आपने। तो ये आप ये देखेंगे ये हमारे पास ये पूरी ड्राइंग आप ब्लॉक की शक्ल में आ गई है। तो हमारे पास लाइन जो थी वो हमारे पास ये आ रही थी, आपने इधर से अगर प्लान आपका दूर आ रहा है तो आपने इस प्लान को इधर से मूव की कमांड ले लेनी है और मूव की कमांड लेने के बाद प्लान को इधर से आपने सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करके और अपने ओरिजिनल जगह के ऊपर आप इसको इधर से मूव करा दें थोड़ा सा, ताकि हमारे पास इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। तो आपने इधर से इसको मूव करा के और इधर अपनी लाइन के पास इधर ले आना है। इधर ये मैं इसको रख दिया मैंने, तो अभी हमने ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस कॉर्नर से लेके ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है कॉर्नर इस कॉर्नर के और हमारे पास ये दूसरा इस कॉर्नर के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपने अभी आपने क्या करना है, आपने जस्ट इधर से अलाइन की कमांड लेनी है, ए एल उसकी शॉर्ट की है, ये आपके सामने अलाइन की कमांड आ जाएगी। आपने इधर से उसको क्लिक करना है और सबसे पहले आपने अपने पूरे ऑब्जेक्ट को जो आपने ब्लॉक बनाया हुआ है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करेंगे ये नीचे से पूछ रहे स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स ऑफ पॉइंट, तो आपने पहला पॉइंट जो दिया था वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है स्नैप, आपने ऑन कर लेने, आपने इस पॉइंट को इधर से सिलेक्ट करना है और ये वाला जो पॉइंट आपने लगाया था इस पॉइंट के ऊपर आपने इधर से क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमसे नीचे पूछ रहा है अलाइन स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हमने दिया था ये वाला, आपने इस प्लान को इधर से सिलेक्ट करना है और इधर से आके इसी तरीके से ये दूसरा जो हमारा पॉइंट हमने लाइन लगाई थी इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट, आप थर्ड पॉइंट आपको देने की
की जरूरत नहीं है, आपने इधर से माउस की मदद से राइट क्लिक करना है और इधर से आपने इसको यस कर देना है। ये पूछ रहे हैं कि स्केल बेस पे आपके अलाइनमेंट सेट कर दी जाए, तो आपने इधर से उसको यस प्रेस कर देना है। आप यस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा प्लान इधर से पूरा का पूरा सेम टू सेम उधर उसकी अलाइनमेंट के ऊपर जो हमारी लाइन लगी थी उसके ऊपर सेट हो गया। और इधर इसी तरीके से ये हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस वगैरह है वो भी आप इसको ब्लॉक को ख़त्म करेंगे तो ये आपके उधर से ठीक हो जाएंगे। जैसे मैं लाइन को ख़त्म करता हूँ और इधर से मैंने इसको सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देना है। एक्सप्लोड की कमांड आप ले लेनी है, ब्लॉक आपका इधर से ख़त्म हो जाएगा। आप ब्लॉक को ख़त्म करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस सेम टू सेम वही आ गया जो डिस्टेंस हमारे पास इधर आ रहे हैं, हमारे पास हार्ड कॉपी जो है उसके अंदर आ रहे थे। तो आपने इसी तरीके से कोई भी प्लान जो आपका डिस्टर्ब प्लान है जितना मर्जी प्लान बढ़ाओ आपने इसी तरीके से उसकी वर्किंग करते हुए जस्ट अलाइन की कमांड के साथ आपने उस प्लान को अपना सेट कर लेना है। उसके ऊपर कोई भी रेफरेंस आप दे सकते हैं जैसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपके लगे हुए हैं जिस पॉइंट के, आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह लगा देने हैं और लगाने के बाद आपने अलाइन की कमांड लेनी है और इधर से अपने प्लान को आपने सीधा कर लेना है। तो उसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका प्लान डिस्टर्ब हो जाता है, कोई ख़राब कर जाता है, तो आप इसी तरीके के साथ इसको इसी तरीके से अपने प्लान को रिकवर कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट रियल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप इसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।